सर आप धबौली पंचायत बेगूसराय जिले के अंतर्गत जो सदर प्रखंड में आता है, आप बताएंगे कि आप तो मुखिया प्रतिनिधि हैं या उनका काम देखते हैं? मुखिया जी का काम आप ही ना देखते हैं सर? मुखिया जी भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। अच्छा, आप भी देखते हैं। क्या नाम है मुखिया जी का? अंजलि देवी। अंजलि देवी। बताइए कि 2019 का चुनाव क्या गुल खिलाने वाला है बेगूसराय में? 2019 का चुनाव देश के हित के लिए जनता भगवान वोट करें, शांतिपूर्ण वोट करें। झंडा किसका बुलंद होगा? राष्ट्र भारत के नाम पर देश के हित में बुलंद होगा। देश के हित में बुलंद होगा। अच्छा सर, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप ये बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्रामीण विकास हुआ है उसमें क्या सब काम हुआ है अभी तक? रोड बने हैं, नाला बने हैं। सड़क की स्थिति तो बहुत खराब है आपके घर के सामने की। नहीं बोलिए, आप सब रिकॉर्ड हो रहा है। गली गली तो मुखिया जी के थ्रू बना है। ये जो है 1.5 किलोमीटर का रोड, ये तो पीएचडी विभाग से होगा। अच्छा, इसके लिए आपने इनसे संबंधित पदाधिकारी को यह सूचना दी कि सड़क की स्थिति यह है? सड़क का सूचना आगे भी दिए है और अभी तो फिलहाल बोर्ड भी लगा है। कुछ कमीशन उमीशन की भी बात चल रही है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा बस समझ में आ रहा। सर आप पहले भी वार्ड मेंबर थे, अभी भी वार्ड मेंबर हैं, निर्विरोध भी दो दो बार चुने गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है उपेंद्र पासवान। उपेंद्र पासवान, 9 नंबर वार्ड से। जी, जी, जी। आप बताएं कि 9 नंबर वार्ड में 7 निश्चय का कौन कौन सा काम हुआ है? 7 निश्चय का काम, नाला का काम हुआ है, कुछ जैसे रोड भी अच्छे से निर्माण किया गया है, चापा नल जल वाली बात जो है। आपकी अवस्था अब धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ झुक रही है। जी, वृद्ध लोगों के लिए क्या किया है? वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन जैसे पंचायत में वार्ड में अच्छा अच्छे से ये बात हुआ कि जैसे अभी दूसरा लोगों को अच्छे से वार्ड की तरफ से अच्छे से वृद्धा पेंशन। एक बात सामने आ रही है, चूंकि बेगूसराय जिले में 1.5 लाख से ऊपर पासवान के भी वोटर है। जी जी, क्या लगता है कि लोजपा के साथ हैं? लोजपा हमारे गठबंधन में है तो हम लोजपा के साथ हैं। लोजपा के साथ हैं। जी जी। अच्छा, कन्हैया कुमार के विषय में क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार के विषय में क्या कहें, या तो जिस ढंग से अपना चैनल पर इनका जो वक्तव्य आया है जी, उससे पंचायत के ही नहीं बल्कि बेगूसराय जिला के नागरिक जो है वह स्तब्ध है। वह राष्ट्र की बात को छोड़कर कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इस पर बात कर रहे हैं, और अफजल साहब, अफजल जी को जो फांसी दिया गया उस परिस्थिति में वह कह रहे हैं कि एक अफजल नहीं, अफजल के बाद 10 अफजल हर घर से पैदा होगा। यह बेगूसराय जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वैसे प्रतिनिधित्व जो वाम दल से आते हैं और अपने आप को वह गरीबों का मसीहा कहलाते हैं, हमें समझ से तो यह दुधारा तलवार लेकर चल रहे हैं और जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मोदी जी गिरिराज राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो अपना ये किया मसीहा के रूप में आ रहे हैं, यह बेगूसराय की जिला ही नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पर राष्ट्र की जनता, देश की जनता अच्छे से उनके साथ कदम में कदम विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर देने के लिए उनके साथ खड़ा है। मन बना लिया है कि राष्ट्रीय में मतदान हो। एकदम एकदम जैसे तो कन्हैया कुमार जी जो शोर मचाए हुए हैं उनका फिर क्या होगा? अभी कन्हैया जी बहुत दूर तक नहीं है और जनता जनता और जिला लड़ाई किनके बीच है? लड़ाई किनके बीच है? से लड़ाई में यूं हम समझ रहे हैं कि कोई दूर दूर तक नहीं है, यदि आए भी आए गए भी आने वाले भी होंगे तो तनवीर हसन जी से ये बात होंगे, इनका स्तर कहीं नहीं रहेगा, जो मतलब तीसरा स्थान, तीसरा स्थान पर ही अच्छे से। बेगूसराय में क्या दिखता है, कन्हैया जीत पाएंगे? 2000 चुनाव जो 2019 का चुनाव हो रहा है यह हर चुनाव से अलग है और इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, संप्रदाय के नाम पर जैसे चुनाव लड़ा जा रहा है, और उस परिस्थिति में यदि देखा जाए तो ये सब सारे मुद्दा से कन्हैया जी बहुत दूर नजर आ रहे हैं। कन्हैया जी के अंदर में सिर्फ हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तुम को फांसी दिया जा रहा है तो एक अफजल नहीं अनेकों अफजल पैदा होंगे और हिंदुस्तान तुम्हारे टुकड़े होंगे, और उस परिस्थिति में कन्हैया जी का यह बेगूसराय जिला से उम्मीदवारी के रूप में या रहे हैं। जहां तो खुद को देशभक्त बता रहे हैं? नहीं तो खुद को देशभक्त बता रहे हैं लेकिन प्रमाण उनके पास में क्या है?
एक तरफ कश्मीर और पाकिस्तान की बात करते हैं, एक तरफ हिंदुस्तान में बेगूसराय जिला में हुआ राष्ट्रवाद और देशभक्त का रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है सर जी। जहां तक उनकी जन्मभूमि बिहट की बात हो तो बिहट को भी वह कलंकित करने के लिए आए हैं, इसलिए कि बेगूसराय धरती पर हमारे बेगूसराय जिला ही नहीं और बिहट ही नहीं बल्कि कीर्तन सम्राट विंध्यश्री बाबू हुआ करते थे और वह अपनी जज्बा अपनी पहचान जैसे कीर्तन के माध्यम से जो बेगूसराय और बिहट ही नहीं बल्कि राज स्तर पर जो छोड़ दिए हैं उस परिस्थिति में आज तक कन्हैया जी वैसे व्यक्ति का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कीर्तन एक हिंदुत्व को संभालने संवारने और मार्गदर्शन देने का काम क्या करते हैं, समाज को जोड़ने का भी काम, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो उस परिस्थिति में तो कन्हैया जी के पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आपको हम यह बताना चाहते हैं कन्हैया जी जिस वाम मोर्चा से बिलोंग करते आ रहे हैं और देखा जाए तो 5 साल के सत्र में उसके पहले भी देखा जाए तो कन्हैया जी को बेगूसराय मुद्दा पर कहें कोई आंदोलन है न कहें कोई जुझारू ऐसा कोई कार्यक्रम है। हम आपसे पूछना जानकारी लेना चाहते हैं जो वाम मोर्चा और कन्हैया जी का बेगूसराय की धरती पर क्या आंदोलन रहा, जनता के नाम पर उसने क्या आंदोलन किया, किस बेस पर वह वोट लेना चाहते हैं। आप युवा वर्ग हैं बेगूसराय से हैं, क्या लगता है 2019 का चुनाव? तो देखिए ये जो है कन्हैया जी उनका तो बेगूसराय कोई योगदान है तो है नहीं, ये जो घरे हुए हैं कोई काम करना उनका कोई नाम निशान कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कन्हैया जी खड़े हुए हैं तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका कोई योगदान तो है नहीं, इनका कोई योगदान नहीं है। आप कुछ बोलेंगे? हम सर बोले ना, तैयार बोलिए। तीन उम्मीदवार है, एक मिर्जा से है, कन्हैया है, तीनों में टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। आज जिसका होगा फैसला होगा, आपको नहीं लगता कि वो जिस तरीके का स्टेटमेंट दिए हैं देश के लिए उसका वीडियो है, सब कुछ सब झूठा है वीडियो। बड़का लोग गरीब लोग को ट्रेन नहीं देता है, अच्छा गरीब को दुकान खदान गिराए सब दिन गरीब लोग रखता है। कन्हैया जी जीतना चाहिए, उम्मीद है 12 ना उम्मीद उसको है, 4 ना उम्मीद नहीं। आप बताइए फोन कर रहे हैं अभी फिलहाल तो किसको सरकार है जिसको जिसकी सरकार अभी है मोदी जी की। सर बताएं बेगूसराय क्षेत्र के आप व्यवसायी वर्ग से हैं, आप बताएं कि क्या लगता है कन्हैया जी जीत रहे हैं? वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि इस आधार से वो जीत रहे हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि चुनाव किस करवट बैठेगी? यहाँ तो पूरा मोदी का लहर है जी, तो उसमें तो संभावना पूरा है कि यहाँ कन्हैया जी तो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब बोलने तो सबको ही बोलते हैं, हम बोलेंगे, ये लोकतंत्र है थोड़ी रोक है कि कोई बोल नहीं सके हम नहीं जीतेंगे। जमीनी बात क्या कुछ नजर आ रही है आपको? जमीनी यहाँ कुछ ही नहीं है, एक ही बात है कि यहाँ देश बचाओ अभियान है। अच्छा। लोगों को केंद्र में मोदी पर निगाह है और बिहार में नीतीश कुमार पर हम लोगों का निगाह।